हाँ जी, तो सारे प्यार भरी सत श्री अकाल जी। वैलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डी इंक टैटूस। अज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला गा वो होने वाला गा पेन। साड़ी कम्यूनिटी के बहुत ज़्यादा इदा के लोग ने गे जो सिर्फ इसे एक गल करके टैटू नहीं बनवाते। तो अज आप गल करा कि टैटू बनाने टाइम सचमुच पेन होंदा गा जां नहीं होंदा हैगा। चलो जी करते हैं वीडियो स्टार्ट। अज तो पेन बारे गल कर तो पहला तुहानू ये जानना बहुत जरूरी है कि तुहाडी बॉडी के उपर टैटू जो बनता कितना है। तुहाडी बॉडी की लेयर के उपर स्किन के निडल्स नाल ना इंक पिगमेंट्स ने जिहड़े वो पंच किए जाते हैं जिस दिन तुसी टैटू का नाम दे दिंदे होगे। तो डेफिनेटली है कि जब तुहाडी बॉडी की एक लेयर नू जिहड़े निडल्स ने गियां वो पंच करदियां ने तां तुहाडी जिहड़ी बॉडी हैगी तुहाडे माइंड नू सिग्नल दिंदी है ते तुहाडी बॉडी रिस्पोंस करदी हैगी जिस नाल तुहानू पेन फील हुंदी हैगी। बट पेन के भी कई लैवल्स ने गए, बॉडी टू बॉडी ये चीज़ वेरी करते हैं। तो हम आप उन्होंने बारे ब्रीफ के गल करते हैं। हाँ जी, तो अक्सर तुसी ने देखा होगा कि तुहाडे फ्रेंड सर्कल के जब कोई टैटू बनवा के आता है तो वो तुहानू दसदा गा कि मैनू टैटू बनाने टाइम पेन बहुत ज़्यादा हुई हैगी। तो कुछ लोग ने गए जो आके कहते हैं भी पता भी नहीं लग्या कि टैटू बन गया है ना। तो ये चीज़ क्यों होंगी है कि किसी को पेन बहुत ज़्यादा होंगी हैगी तो किसी को बहुत घट होंगी हैगी। इस पिछे का रीज़न की हैगा, इस पिछे का मेन जिहड़ा रीज़न हैगा वो ये हैगा कि हर एक की बॉडी टाइप हैगी जिहड़ी वो बिल्कुल डिफरेंट हैगी। तो किसी की पेन सहन की जिहड़ी कपैसिटी हैगी बहुत ज़्यादा होंगी है, किसी की घट होंगी। तो हर एक जो स्किन हैगी टाइप वो भी बिल्कुल डिफरेंट होंगी हैगी, करके जो पेन हैगा वो भी डिफरेंट फील होंगे गा। अंज तो पेन के मामले के जो अगली ध्यान रखने योग चीज़ हैगी है ना वो हैगी डिज़ाइन और साइज़। कई बार की होंगे गा कि जो तुम चूज़ किया गा मे बी वो हो सकता थोड़ा फस्ट टैटू हो है ना, तो तुम्हें की है वह डिज़ाइन है जोड़ा वो बहुत ज़्यादा टफ चूज़ कर लेना जिद बहुत ज़्यादा कलर पैक्ट होंगे ने है ना। तो कई बार की होंगे कि वह साइज़ भी बहुत ज़्यादा व्डा होंगे गा, तो फस्ट एक्सपीरियंस होंगे गा तो नहीं पता होंगे कि तुम्हारी बॉडी कितना रिस्पोंस करेगी जो कि पेन फील होएगा। तो वो चीज़ भी हमेशा सोच समझ के डिसाइड करो ताकि जो पेन हैगा वो घट फील हो। हाँ जी, तो जो पेन हैगा वो डिपेंड करता थोड़े बॉडी पार्ट्स के उपर भी क्योंकि तुम अपनी बॉडी के किस पार्ट के उपर टैटू करवा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल तुम आर्म के उपर टैटू करवा रहे हो या तुम हैंड के उपर टैटू करवा रहे हो, तो हर एक बॉडी पार्ट का जो पेन हैगा लैवल हैगा वो बिल्कुल डिफरेंट हैगा। किसी बॉडी पार्ट के उपर तुम्हें पेन बहुत ज़्यादा फील हो सकता, किसी उपर बहुत ज़्यादा घट फील हो सकता गा। तो इस मामले के अपने टैटू आर्टिस्ट का जो है एक सजैशन हैगा वो ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा एक फस्ट टैटू हैगा तो तुम हमेशा उन्होंने गाइडेंस लो, तो वो तुम्हें बेस्ट सुजैसट कर सकते हैं कि तुम किन साइज का टैटू करवा लो। हाँ जी, तो पेन के मामले के बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि तुम्हें पेन होगी टैटू दौरान या नहीं होगी है ना। तो इसका एक्सपीरियंस करने लिए एक स्मॉल जहा टैटू करवा सकते हो। तो तुम जेकर टैटू के सैशन के आपके जो पेन लैवल हैगा उन्होंने मिनीमाइज करना चाहते हो तो उस उपर असी ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसका जो लिंक हैगा वह तुम्हें आई बटन के मिल जाएगा, जिस के उपर क्लिक करके तुम उस चैक कर सकते हो जिसका टॉपिक हैगा हाउ टू प्रिपेयर योर सैल्फ फॉर अ टैटू सैशन। मतलब तुम टैटू सैशन के लिए जब तुम अपने आपको प्रिपेयर करके लैके जाना वो टिप्स उस दसिया गई ने जो थोड़े लिए हेल्पफुल हो। हाँ जी, तो लास्ट के आई होपफुल कि तुम्हारा वीडियो का टॉपिक हैगा वो तुम्हें वधिया लग्या होगा। जेकर वधिया लग्या तो हमने साडे वीडियो को लाइक कर दियो, तो साडा चैनल आ जिहड़ा सबसक्राइब कर दियो। साडी आईडिया जो डिस्क्रिप्शन के मैनशन हैगी, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट वन थिंग, नो पेन नो गेन। मिलते हैं नैक्सट वीडियो के।